अरे यार हिलाओ ना, जो कि पहला चरण और दूसरे चरण के मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं के जो बौखलाहट और घबराहट सीधे तौर पर देखने को मिल रही है, पहले और दूसरे चरण में कमल का बटन दबाकर जिस तरह से जनता ने समर्थन किया है वो अपने आप में अखिलेश जी का पसीना छूट रहा है। एक तरफ अखिलेश जी का पसीना निकल रहा है, दूसरी ओर उनके कार्यकर्ता और उनके गुंडे चुनावों में हिंसा बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा की आदरणीय बहन गीता साकिया जी के ऊपर जो हमला हुआ है वो अपने आप में दिखाता है कि महिलाओं को दबाने का धमकाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में भी होता रहा और चुनाव की बेला पर भी ये लोग महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी कर रहे हैं, डराने धमकाने का काम भी कर रहे हैं और अगले दिन ही ये भी मैनपुरी की घटना है और मैनपुरी के कोतवाली क्षेत्र में नकलाभंत गांव में गीता साकिया जी के ऊपर हमला किया गया और 15 फरवरी को करहल से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार गरीब परिवार से आने वाले पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले एसपी सिंह बघेल जी जो केंद्रीय मंत्री भी हैं उनके ऊपर सपा के गुंडों ने हमला किया है और ये पहली बार नहीं हुआ। पिछले जितने भी चुनावों का उदाहरण देखेंगे हर चुनाव में मैनपुरी का नाम आता है तो मैनपुरी में इस तरह की घटनाओं को अंजाम समाजवादी पार्टी के गुंडे देते हैं, उनके कार्यकर्ता देते हैं। और मैनपुरी जिले की जिस करहल सीट की मैं बात कर रहा हूं वहीं पर अतिकुल्लापुर गांव की यह घटना है। प्रचार के दौरान कबराई से अतिकुल्लापुर के रास्ते में खेतों से निकलकर पथराव, डंडे चलाना, गोली तक चलाने की नौबत आना और वो भी किस पर, केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी जो वहां से हमारे उम्मीदवार हैं अखिलेश जी को अपनी हार नजर आ रही है तो गुंडा तत्वों को संरक्षण और उनको हमले करने की उन्होंने खुली छूट दे दी। हमने मांग की है इलेक्शन कमीशन से कि इन गुंडों के खिलाफ, इन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पुलिस और प्रशासन उस पर कार्रवाई करे और चुनाव के दिन हर पोलिंग बूथ पर सीसीटीवी कैमरा हो, चुनाव से एक दिन पहले फ्लैग मार्च किया जाए, चुनाव से पहले मैनपुरी जिला के इटावा के जो ऐसे गुंडे हैं, अपराधी हैं, उनके खिलाफ पुलिस पहले से कार्रवाई करे ताकि चुनावों को वो खराब ना कर सके, मतदाताओं के मन में कोई भय ना फैला सके, निष्पक्ष मतदान हो, ज्यादा मतदान हो, महिलाओं, युवाओं और व्यापारी या आम जनता के मन में कोई ऐसे भय भ्रम की स्थिति ना हो, इसलिए ऐसे समाजवादी पार्टी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो अपराधियों का नाम पहले से पुलिस थानों में है उनके खिलाफ पहले से चिंता की जानी चाहिए, ये सब हो और ज्यादा से ज्यादा अर्धसैनिक बल इनकी तैनाती की जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव समाजवादी पार्टी की पहली लिस्ट में ही दंगे वाले थे, अपराधियों के नाम थे या जेल वाले थे या बेल वाले थे, इसलिए दूसरे चरण का ही चुनाव आते आते अखिलेश जी को आजम खान जी की याद आ गई, क्योंकि आजम खान जी को जाना जाता है उनके पिछले भी कारनामे। अगर दूसरे चरण में आजम खान जी याद आ गए तो पांचवें छठे चरण में इनको अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी याद आ जाएं, क्योंकि समाजवादी पार्टी सदा गुंडों के सहारे, अपराधियों के सहारे चुनावों में भय भ्रम फैलाकर और मतदाताओं को प्रभावित करके चुनाव जीतने का प्रयास करती है। लेकिन हमने चुनाव आयोग से कहा है कि निष्पक्ष चुनाव हो, भारी मतदान हो, सुरक्षा का वातावरण हो और सीसीटीवी कैमरों की देखरेख में हो और ज्यादा से ज्यादा अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। अमित गांधी नेहरू परिवार को चार चार पीढ़ियों तक किसी न किसी पद पर, शीर्ष पद तक पहुंचाने का काम किया,
लेकिन मौका देखते ही गांधी परिवार के सदस्य उत्तर प्रदेश को अपमानित करने से पीछे नहीं हटते। वायनाड की बात हो, केरल में जाकर जो राहुल गांधी जी ने उत्तर भारतीय और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में कहा, वो उत्तर प्रदेश की जनता भूली नहीं है। जहां से वो चार चार बार सांसद चुने गए, उसी उत्तर प्रदेश को पारित करने का काम राहुल गांधी जी ने किया। कल प्रियंका गांधी जी के समय पंजाब के मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों का जो अपमानजनक बयान दिया है, और इसको लेकर आपत्ति व्यक्त नहीं प्रियंका जी ने की, बल्कि हंसना शुरू कर दिया। क्या उत्तर प्रदेश का अपमान कांग्रेस के नेता ऐसे ही करेंगे? और दूसरी ओर उत्तर प्रदेश को गुंडा कहने वाली, उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडा कहने वाली बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी कहती हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं, तो अखिलेश यादव जी उनका बड़े बड़े बुक्के देकर स्वागत करते हैं। तो मेरा कांग्रेस और सपा से ये सवाल है, क्या उत्तर प्रदेश को अपमानित करने का आपने ठेका ले रखा है? क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडे, भाइये और ये सब कहने की जो भाषा है उसका आप लोग समर्थन करते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग, मैं तो ये कहूंगा, अगर उत्तर प्रदेश के मेरे भाई और बहन देश के अलग अलग हिस्सों में ना जाएं, तो उन राज्यों का विकास थम जाता है। उत्तर प्रदेश की जनता का राष्ट्र निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका है, ना केवल देश बल्कि विदेशों में जाकर भी अपनी मेहनत के कारण उत्तर प्रदेश के लोगों ने वहां पर एक नाम कमाया है। आपदा के समय अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जीपों पर बड़े बड़े भोंपू लगाकर दिल्ली की गलियों गलियों में चलाकर कहा था भाग जाओ, और उनको भगाने का काम किया था। बेचारे रातों रात अपना घर परिवार छोड़कर पैदल चलकर आए, तो योगी जी ने हजारों बसें भेजकर उनको घर घर पहुंचाने का काम किया था। चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, प्रियंका गांधी जी हो, राहुल गांधी जी हो, या अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी हो, इन सब ने ही उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रताड़ित और अपमानित करने का काम किया है, और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता जवाब दे। पार्टी और ओपी राजभर के बीच में जो टिकटों को लेकर के एक प्रलाप अंदर मचा हुआ, अंतर कलह मची हुई है, इसीलिए वो बाहर निकल करके अनर्गल प्रयाप कर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी जो है वो अनिर्णय की शिकार है तमाम जगह टिकट बदल करके, और अपने गठबंधन दलों के बीच में उनके अंदर भी बहुत विवाद है। इन्हीं सबसे घबरा करके वो बाहर आकर के इस तरह का प्रलाप कर रहे हैं। और मऊ के लोग अभी वो दृश्य भूले नहीं है जब बाल्टी दूध की बाल्टियां किनारे गिरी हुई थी और लहू लहान लाशें किनारे पर रखी हुई थी, और एक माफिया वहां जीप पर बैठ करके अट्ठास कर रहा था, और अब ओपी राजभर और उनके लोगों ने वहीं उनकी गाड़ी में बैठ करके घूमते और उनके परिवार के लोगों को टिकट देने का काम करते हैं। तो ऐसे लोगों के अनर्गल प्रलाप पर क्या ही कहना है, पूरा प्रदेश इनको जानता है।